मंदिर की भूमि से कब्जा हटाने के निर्णय के एक दिवस बाद ही मंदिर में शुरू हुई विधिवत तरीके से पूजा अर्चना। नियमित पुजारी रखने की बनी सहमति। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने ग्राम जगदीशपुरा में ठाकुर लक्ष्मीनारायण जी मंदिर की 1.93 कृषि भूमि पर से कब्जा हटाने के निर्देश कनवास तहसीलदार को दिए गए थे, जिसकी पालना में कनवास तहसीलदार द्वारा कब्जा हटवाकर भूमि की सार संभाल हेतु भूमि को कब्जा राज लेकर मुनाफा काश्त में पुकराने हेतु दिनांक 17.03.21 को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। इसके तुरंत एक दिन बाद ही कनवास S0D0M0 राजेश डागा ने ग्रामीणों से चर्चा कर मंदिर की नियमित पूजा अर्चना व देखभाल के लिए मोहल्ले वालों सरपंच के साथ चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि मंदिर में नियमित पुजारी की व्यवस्था नहीं, आस पड़ोस के लोगों द्वारा ही पुजारी की स्थायी व्यवस्था की जाती है। इस पर कनवास उपखंड अधिकारी द्वारा सुझाव दिया कि मंदिर की नियमित पूजा अर्चना लिए स्थायी पुजारी रखा जावे व उसकी एवज में पुजारी को भोग राग सहित 3,500 रुपये प्रत्येक माह मंदिर की कृषि भूमि से प्राप्त आय से दिया जाए। साथ ही ग्रामवासी एक ट्रस्ट बनाकर देवस्थान विभाग में पंजीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू करें, जिससे भविष्य में मंदिर का व्यवस्थापन अच्छे से किया जा सके। इस पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा सुझाव स्वीकार किया गया व मंदिर में नियमित पुजारी रखने की सहमति बनी। साथ ही कनवास S0D0M0 राजेश डागा व कनवास तहसीलदार सुरेंद्र कुमार शर्मा ने शुक्रवार शाम को उपस्थित ग्रामीणों के साथ मिलकर लक्ष्मीनारायण जी की पूजा अर्चना की शुरुआत की गई।